रूस में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप में इस समय नए नए इतिहास बन रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि रूस में चल रहे फुटबॉल विश्व कप के दूसरे नॉकआउट मुकाबले में दक्षिण अमेरिकी टीम उरुग्वे ने यूरोप की मजबूत टीम पुर्तगाल को 2-1 से हरा दिया। उरुग्वे ने मैच के शुरुआती मिनट में ही गोल दागकर मैच पर अपनी पकड़ बना ली, जो अंत तक कायम रही। स्वारेज से मिले क्रॉस पर कवानी ने 7वें मिनट में ही उरुग्वे के लिए पहला गोल दाग दिया। बता दें कि पुर्तगाल के खिलाड़ियों ने पहले हाफ में कई बार गेंद को गोल तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उरुग्वे की मजबूत रक्षक पंक्ति के पार पाने में नाकाम रहे। पहले हाफ में उरुग्वे की टीम 1-0 से आगे रही, लेकिन दूसरे हाफ के 55वें मिनट में पुर्तगाल मैच को बराबरी पर ले आया। बराबरी के गोल ने पुर्तगाली टीम को आक्रामक तो बना दिया, लेकिन 7 मिनट बाद ही कवानी ने एक बार फिर घुमावदार स्ट्राइक से शानदार गोल दागकर उरुग्वे को 2-1 से आगे कर दिया। पूरे मैच के दौरान उरुग्वे की रक्षक पंक्ति बेहद व्यवस्थित रही और पुर्तगाली खिलाड़ियों के अच्छे स्ट्राइक भी गोल में नहीं बदल सके। 22वें मिनट में पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो 3 रक्षक खिलाड़ियों को छकाते हुए गेंद को गोल की ओर ले गए, लेकिन होसे गिमेनेज ने उनका रास्ता रोक दिया। 90वें मिनट तक उरुग्वे 2-1 से आगे रही। रेफरी ने 6 मिनट का अतिरिक्त समय दिया, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद पुर्तगाली टीम उरुग्वे से पार नहीं पा सकी और इस तरह से पुर्तगाल को हार का मुंह देखना पड़ा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स टेस्ट की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।